नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत आदि से परिचय कराना है, और इसके अंतर्गत हम लोग स्थापत्य की श्रृंखला भी लेकर आ रहे हैं। स्थापत्य के अंदर हम लोग मंदिर स्थापत्य के बारे में पृथक से हम लोगों ने जो है वह कई श्रृंखलाओं को जो है वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और इसी श्रृंखला में हम लोग अभी हाल फिलहाल में कुछ वीडियो रिलीज़ हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने जो है नागर शैली, द्रविड़ शैली को देखा होगा, और उसी के बारे में अब अगली शैली हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं आज, वह है बेसर शैली। यानी बेसर शैली की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आते हैं हम लोग, देखिए कि बेसर शैली का विकास पहले कहाँ है। तो बेसर शैली वास्तव में दक्कन भारत में मंदिर निर्माण की शैली है। एक है भारत का उत्तर भारत, जिसे हम विंध्य के उत्तर कहते हैं। उसके बाद एक है भारत का दक्षिणी भारत, जिसमें हम कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणी भारत कहते हैं, और कृष्णा नदी और नर्मदा नदी के मध्य के क्षेत्र को दरअसल जो है वह दक्कन भारत कहा जाता है। तो यह जो बेसर शैली मुख्य रूप से विकसित हुई वो कहाँ, दक्कन भारत में, डेक्कन में, जिसे डेक्कन कहते हैं। तो यह जो है वह हमने बताया कि विंध्य से कृष्णा बेसिन के मध्य जो है वह विकसित होती है। अब यह शैली जो है वह नागर और द्रविड़ शैली जो मूल शैलियाँ हैं, दरअसल नागर शैली और द्रविड़ शैली मूल शैली है, और बेसर शैली मूल शैली ना होकर के कुछ विशेषताएं है वह नागर शैली से, कुछ विशेषताएं द्रविड़ शैली से ली गई, और उनको मिश्रित करके एक पृथक शैली का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। तो यह नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से उत्पन्न होता है। तो मुख्य रूप से इसका जो उत्पत्ति है वह 8वीं से 13वीं सदी के मध्य जो है इसके मंदिरों में प्रयोग जो है वह देखने को मिलता है। तो 8वीं से 13वीं सदी में दक्कन क्षेत्र में जिन शासकों ने शासन किया उन सभी ने इसमें योगदान दिया, जिनमें जो है वह हम लोग देखें तो चालुक्य जो है वह वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक, होयसला वंश के शासक, ये सब जो है वह प्रमुखता से इन जो है वह में योगदान जो है वह देते हैं। अब बेसर शैली जो है वह में मंदिर निर्माण जब प्रारंभ होता है तो नागर शैली का जो है वह प्रभाव अधिक जो है वह देखा जाता था, यानी बेसर शैली में नागर शैली का प्रभाव अधिक देखा जाता था, और बाद में जो है वह इस पर द्रविड़ शैली का प्रभाव बढ़ता चला गया, बाद में कालांतर में द्रविड़ शैली का प्रभाव। इसका मतलब है कि जब जो है ये 8वीं सदी 10वीं सदी के आसपास जो है वह था तो नागर शैली का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन जब ये जो है वह 12वीं 13वीं सदी में पहुँचता है तो द्रविड़ शैली का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 8वीं से 10वीं सदी में नागर शैली का प्रभाव है अधिक, नागर का प्रभाव अधिक है, और 12वीं 13वीं में जो है वह क्या है, तो हम लोग जो है वह यहां पर देख रहे हैं कि द्रविड़ शैली का प्रभाव अधिक है। तो इसका कारण है, इसका कारण है कि देखिए 8वीं से 10वीं सदी के समय में नागर शैली के जो क्षेत्र हैं, यानी विंध्य के उत्तर, वहां हिंदू शासक मौजूद हैं तो मंदिरों का निर्माण जो है वह भव्य मंदिरों का निर्माण जो है वह हो रहा है, और इससे जो है वह उसके प्रभाव जो है वह देखे जाते हैं। लेकिन 12वीं 13वीं सदी आते आते तक क्या हुआ कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस्लामिक शासन की स्थापना जो है वह होने लगी थी, और इस्लामिक शासन की स्थापना होने के कारण इस्लामिक स्थापत्य का प्रभाव होने लगा था, और मंदिर का निर्माण बंद होने लगा था। यानी मंदिर निर्माण, जो बड़े बड़े भव्य मंदिर बन रहे थे, वो मंदिर निर्माण खत्म होने लगे। तो जब मंदिर निर्माण खत्म होने लगे तो दरअसल 12वीं 13वीं सदी के आसपास जो है वह अब हम लोग देखें दक्षिण भारत में, तो यहाँ हिंदू शासक जो है वह मौजूद हैं और वो भव्य मंदिर जो है वह बन रहे हैं, इसलिए जो है वह यहाँ उन भव्य मंदिरों के कारण जो है वह बेसर शैली में द्रविड़ प्रभाव बढ़ता चला गया। अब हम लोग जो है वह देखें कि इस शैली में जो है वह कैसे जो है वह क्या विशेषता जो है वह है। तो एक प्रमुख विशेषता जो है वह देखें कि गर्भगृह की संरचना जो है वह द्रविड़ शैली से। तो गर्भगृह का तात्पर्य जो है वह क्या, ये एक पूरा मंदिर है, और इस मंदिर में हम लोग अगर जो है वह बात करें तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो नीचे वाला हिस्सा है, ये गर्भगृह, तो ये गर्भगृह का हिस्सा है। ये गर्भगृह किसके से प्रभावित है, तो मुख्य रूप से द्रविड़ शैली से प्रभावित है, और जो इसमें कहा जा रहा है कि शिखर भाग जो है वह नागर शैली से, यानी ये जो शिखर का हिस्सा है, ये शिखर है, तो ये शिखर का हिस्सा किससे, नागर शैली से प्रभावित है, ठीक है। अब इस पूरे जो है वह बेसर शैली में जितने भी मंदिर जो है वह बनते थे, तो मंदिरों की ऊंचाई कम होती थी। जैसे जो है वह नागर शैली के मंदिर में आप देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर जो है वह बने हैं,
लेकिन नागर शैली के मंदिर ऊंचे तो बनते थे, द्रविड़ शैली का भी मंदिर जो है काफ़ी ऊंचा बनता था, जैसे जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है की बात करें, रामेश्वरम मंदिर की बात करें, ये सब के सब जो है बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर जो है बनते थे। लेकिन बेसर शैली के जो मंदिर हैं इनका आकार छोटा होता था, लेकिन आकार तो छोटा होता था लेकिन विस्तार दो दृष्टिकोण से, एक तो जो है वह मंदिर चौड़े होते थे यानी उनका विस्तार ज़्यादा होता था, और दूसरा कि उसमें प्रांगण भी जो है वह एक बड़े प्रांगण का जो है वह प्रभाव देखा गया। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भी बेसर शैली का जो है वह बना हुआ मंदिर है। इसके मंदिरों में हम लोग इस मंदिर को जो है वह देखते हैं, ये मंदिर है लड़खान मंदिर, और लड़खान मंदिर में अब आप देखिए क्या है कि इसका बेस जो है वह काफ़ी चौड़ा है, बेस काफ़ी चौड़ा है, और मंदिर का यह शीर्ष तो शीर्ष जो है वह आधा टूटा हुआ है, तो यह शीर्ष का हिस्सा, तो ये बेस जो है वह क्या है चौड़ा, यानी मंदिर विस्तारित था, ये जो है वह हमने विशेषता के रूप में जो है वह बताई थी। अब आते हैं देखिए कि चालुक्य शासक जो है वह इस शैली में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, यानी हमने बताया था कि चालुक्य जो है वह ने इस चालुक्य वंश ने इसमें बहुत योगदान दिया, तो सबसे ज़्यादा यानी चालुक्य जो है वह राष्ट्रकूट भी बनवाए हैं, होयसल भी बनवाए हैं, इसके बाद जो है हम लोग बात करें तो काकतीय वंश के शासकों ने भी बनवाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रुचि दिखाई है वो चालुक्य शासकों ने जो है वह बेसर शैली में, और उसमें सबसे प्रमुख जो है वह संरचना जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो कहाँ, ऐहोल में, और ऐहोल में दरअसल 70 मंदिरों के अवशेष जो है वह प्राप्त होते हैं। एक नगर के अंदर बड़े बड़े विशालकाय 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं आज भी, तो इसलिए जो है वह हम लोग ऐहोल को एक कहा जाता है कि इट वॉज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट वॉज द सिटी ऑफ टेम्पल्स ड्यूरिंग चालुक्यास, यानी चालुक्य के काल में यह जो है वह सिटी ऑफ जो है वह टेम्पल्स जो है वह था। कालांतर में मैंने बताया था कि अलग अलग वंश के शासकों ने योगदान दिया, तो निश्चित है कि जैसे जैसे काल बदलेंगे, परिस्थितियां बदलती हैं, तकनीक बदलता है, और जो है वह क्षेत्र बदलता है, तो सबका प्रभाव जो है वह पड़ेगा उसके अंदर, जो है वह शैली के अंदर उपशैलियों का विकास हो जाएगा, और उपशैलियों का विकास हो गया तो इसमें चालुक्य उपशैली जो है वह विकसित होती है, तो इसमें राष्ट्रकूट उपशैली, इसमें काकतीय उपशैली, होयसल उपशैली, यानी चार उपशैलियां विकसित होती हैं। इन चारों उपशैलियों के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि उन उपशैलियों की क्या विशेषताएं हैं और उन उपशैलियों में कौन कौन से प्रमुख मंदिर जो है वह हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर लें कि कुछ प्रसिद्ध मंदिर जो है वह कौन कौन है। तो इसमें हम लोग जो है वह अगर बात करें तो इसमें ऐहोल का लड़खान मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल का जो है वह पापनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, हेलेबिड का होयसलेश्वर मंदिर, हम लोग थोड़ा सा नाम से केवल जो है वह इमेज नहीं बन पाता है हमारे मस्तिष्क में, इसलिए हम लोग अपने मस्तिष्क में इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा इसके दृश्य को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा लड़खान का मंदिर, जो लड़खान का मंदिर कहाँ है, ऐहोल का में है, तो ये लड़खान का मंदिर है। इसके बाद जो है वह हम लोग ये देखें कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वह पट्टडकल का, देखिए विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष जो है वह देवता का रूप है, तो वह जो है वह मंदिर कई जगह पर, विरूपाक्ष जो है वह मंदिर एक जो है वह हम्पी में भी है जो विजयनगर के शासकों ने बनवाया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, और हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर बिल्कुल अलग है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल का, इसके बाद जो है वह देखिए, और देखिए इसमें भी देखिए कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये छोटी संरचना है, मैंने बताया था कि बेसर शैली में छोटे मंदिर जो है वह बनते हैं, जबकि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है जिसको द्रविड़ शैली के वीडियो में हम लोगों ने देखा भी है, आप फिर से जो है वह देख सकते हैं, उसमें बड़ा ही विशालकाय मंदिर है, क्योंकि द्रविड़ शैली के मंदिर विशालकाय बनते थे। तो ये विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल का है। इसके बाद हम लोग बात करें कि पापनाथ मंदिर, ये पापनाथ मंदिर जो है वह ये भी पट्टडकल में पापनाथ मंदिर है, और ये जो है वह हमारा कैलाश मंदिर है जो एलोरा में है, एलोरा केव्स के अंदर जो है वह ही दरअसल पत्थरों को काटकर, पहाड़ी के अंदर पत्थरों को काटकर जो है वह बनाया गया, तो इसमें भी दरअसल कई गुहाओं के मंदिर जो है वह बनाए गए, उसके बारे में हम लोग गुहा मंदिर की पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे गुफाओं को काटकर एक मंदिर का रूप जो है वह दे दिया जाता था। और ये है हमारा होयसलेश्वर टेम्पल जो हेलेबिद का है, तो हम लोगों ने जो है वह देखा कि इसका जो है वह जो विस्तार है इसमें भी जो है वह हम लोग जो हॉरिजॉन्टल विस्तार जो है वह बहुत अधिक मिलता है और वर्टिकल विस्तार जो है वह कम मिलता है इन मंदिरों में, ये विशेषता हमने जो है वह देखी। तो ये जो बेसर शैली है यह दोनों शैलियों का मिश्रण है, और इन दोनों शैलियों के मिश्रण के कारण जो है यह शैली अपने आप में एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हो गई।
मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।